एक बच्चा है बांग्लादेश के अंदर, उस्ताद मंडल उसका नाम है, हिंदू बच्चा है। आजम खान गवर्नमेंट कॉलेज के 3000 से 5000 बच्चों ने जाके उसके ऊपर हमला किया था कि जिसने ब्लास्फेमी की है, एलिगेशंस हैं, उसको दे बीटन हिम टू डेथ ऑलमोस्ट। तो ये एक ऐसी मुनाफकत हमारे अंदर एक रच बस गई है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा दुनिया के अंदर कोई मेरे जैसा नहीं, या बाकी मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरे जैसे बाकी इंसान जो है मेरे बराबर नहीं, मैं सबसे जो है वो आला और अफजल हूँ। ये खराबी है हमारे अंदर कि हम बाकियों को नीच और घटिया समझते हैं। ये भाई गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, साथ बच्चा बैठा जो वो भीख मांग रहा है। गजवा हिंद के लिए तो पहले अपने आप को उसके लिए तैयार भी तो करना है ना, जब तक हम उसके अपने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो कैसे लड़ेंगे गजवा हिंद। चीमा साहब, एक और चीज जो है, डॉक्टर यूनुस साहब ने बिल्कुल ही अजीब सा यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ये पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है। ये कौन सी क्लेरिफिकेशन आपने दी है भाई? बात यह है कि दोनों तरफ एक ही किस्म के लोग हैं ना, तो इस किस्म के लूज टॉक, ये तो कोई इट्स नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन गलत है, इस पे इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि वो अब समय आ गया है कि भारत को अपने इतिहास और वर्तमान से सीखना चाहिए, और ख़ासतौर से जिस तरह से अभी बांग्लादेश के अंदर जहाँ पे माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, और राय दिन जो खबरें निकल के आ रही है कि भीड़ के भीड़ बांग्लादेशी कट्टर लोग वहाँ के हिंदुओं सहित माइनॉरिटी के ऊपर हमले कर रही हैं, लेकिन उसका जो केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद उनिस, उसकी बातों से यही लगता है कि ये जितने भी पाकिस्तानी सोच वाले हैं ये सभी सभी धूर्त होते हैं और मुँह में राम बगल में छोरी। हालांकि कहावत इस तरह से होनी चाहिए थी कि मुँह में अल्लाह और बगल में छोरी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको कि भारत सरकार को अपने इतिहास और वर्तमान से सबक लेते हुए ज़्यादा सत्यवादी बनने की कोशिश करने का समय नहीं है, बल्कि धूर्त लोगों के साथ उसको उसी टोन में जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो कभी भी इन पाकिस्तानी सोच वाले लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बच्चा है बांग्लादेश के अंदर, उस्ताद मंडल उसका नाम है, हिंदू बच्चा है, उसको वहां पे आजम खान गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, सोना दंगा जगह का नाम है बांग्लादेश के अंदर, स्टेट है खुलना, वहां पे ब्लास्फेमी की एलिगेशंस हैं उसके ऊपर, एलिगेशंस के इसने ब्लास्फेमी की है। आजम खान गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे हैं उस हिंदू बच्चे को पकड़कर थाने ले गए, फिर उसके बाद क्या किया कि 3000 से 5000 बच्चों ने जाके उसके ऊपर हमला किया थाने पे, उसको दे बीटन हिम टू डेथ ऑलमोस्ट। मैं जिसकी मुजम्मत करना चाहूंगा चीमा साहब, इसलिए कि किसी कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए उसका, अगर ब्लास्फेमी की है उसने तो उसको करार वाक्य सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हु यू आर टू डू इट, ये बांग्लादेश के अंदर। दूसरा चीमा साहब, एक और चीज जो है, डॉक्टर यूनुस साहब ने बिल्कुल ही अजीब सा यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ये पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है, क्योंकि सारे हिंदू जो थे वो हसीना वाजिद के सपोर्टर थे, तो जितने सपोर्टर उनके होंगे हसीना वाजिद के सबको मार दिया जाएगा। ये कौन सी क्लैरिफिकेशन आपने दी है भाई? फिर दूसरी बात ये, खैर ये भी है, लोग इस पे स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस इज कमिंग टू न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में, मोदी साहब भी आ रहे हैं, तो साइड लाइंस पे शायद उन हिंदुओं के लिए बात की जाए। दूसरी सितम जरीफी ये है कि वो हिंदू सारे भाग कर बांग्लादेश से इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया। मैं कभी अपने पांव उनके शूज में डालता हूं कि मैं भाग कर कहीं रिफ्यूज लेने की कोशिश करूं और बॉर्डर पे रोक लिया जाए और पीछे मारने वाले हों और आगे आगे घुसने, तो हालात देखें कैसे, रोहिंग्या मुसलमानों के हालात क्या है, अगर उनके भी सोचा जाए तो उनके भी हालात ऐसे, लेकिन गलत है, इस पे इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। इंडिया ने एक्शन जब 1971 में आपने लिया था, मुक्ति बानी को सपोर्ट किया था, उस वक्त भी सर्कमस्टांसेस यही थे, आज भी आपको चाहिए बॉर्डर खोले, प्लीज एक्सेप्ट देम एज़ रिफ्यूजीज, लोगों की जाने बचाए। मेरी दिस इज व्हाट माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन उसमें चीमा साहब मैं बिलखसूस उनकी स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं, डॉक्टर यूनुस साहब की, कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर मारा तो नहीं जाता ना किसी को, ये तो रिलीजियस है, आप यू कैन नॉट डिनाई इट,